हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इंसानों की दुनिया में डॉग्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये डॉग लवर्स से बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि घर में डॉग आने से लाइफ पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रहती बल्कि और भी ब्यूटीफुल हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही फेथफुल और लवेबल एनिमल है। तो आज का पूरा व्लॉग हमारे डॉग यानी कि स्टफी पे ही बेस्ड है। ये व्लॉग एक इवनिंग से लेके नेक्स्ट डे तक चलेगा, सो बी विद अस। तो ये बन रहा है आज क्रीम चिकन, जिसका मसाला मैं यहाँ पे भून रही हूँ, और इधर मैंने इसको दही में मैरिनेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। और आज किचन में मेरे को कुक है मिस्टर उदय प्रताप सिंह, जो कि बना कुक को कुक। ओके, यू आर हेड कुक, आई एम को कुक। ओके, हैप्पी। और ये आज बना रहे हैं यहाँ पे पनीर टिक्का, और यहाँ अब मैं बना रही हूँ स्टफी के लिए यानी हमारे डॉग के लिए डिनर, जिसमें आज मैं बनाऊंगी चिकन विद राइस। तो ये राइस मैं वॉश कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने हाफ ग्लास ले लिया है राइस का। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद इसमें चिकन डालूँगी। जब हम डॉग का खाना बनाते हैं तो उसमें हम सॉल्ट वगैरह नहीं ऐड करते हैं, सॉल्ट और शुगर जो होता है वो मना होता है डॉग्स के लिए, तो वो मैं नहीं ऐड करती हूँ। इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी डालूँगी, और बस चिकन और राइस बहुत खुश होकर खाते हैं डॉग्स। और अब बस मैं इसमें राइस डाल दूँगी सबसे पहले, कोई हमने इसमें ऑयल नहीं डालना और ना ही कोई सॉल्ट ऐड करना है। और उसके बाद मैं ये चिकन डाल रही हूँ। मोस्टली मैं ये कोशिश करती हूँ कि इसको मैं बोनलेस ही दूँ, क्योंकि भी छोटा है, जो बहुत तीखी बोन्स होती हैं वो इसके लिए ठीक नहीं है। सिर्फ एक बोन जो लेग पीस है वो मैं दे रही हूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी बिग बोन होती है तो इसका हार्म जो है वो कम होता है। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर। अब इसमें पानी डालूँगी, ये कम से कम इसका 2 दिन का खाना है, क्योंकि इतना चिकन और इतने राइस में उसको एक साथ नहीं दे सकती, वो ज़्यादा हो जाएगा। और बस अब इसको गैस पे चढ़ा दूँगी, और तकरीबन इसको पकने में 10 मिनट लगेंगे। उसके हर मील का टाइम मैंने फिक्स रखा है, जैसे डिनर उसे मैं 7:30 के अराउंड दे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद उसे वॉक पे भी जाना होता है। उसका डिनर और वॉक से उसे फ्री करके ही हम अपना डिनर करते हैं। जब तक उसकी प्लेट साफ होती है वो बहुत ही पेशेंटली वेट करता है, इसके लिए हमने उसे ट्रेन कर दिया है। वीक में 2 से 3 बार चिकन राइस और कई बार राइस के साथ वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, पीस, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन वगैरह ऐड कर देती हूँ, विच इज़ गुड फॉर डॉग्स। कहाँ चढ़ जाएगा, जगह मिले ना मिले पर हमने चढ़ जाना है। कहाँ जा रहे हैं? ओ देखो, आप तक को लेके जाएं ड्राइव पे, ड्राइव पे जाएगा स्टफी। उसकी आईज भाई बड़ी भयानक लगती है ना,
हॉरिबल हाइज लगती है इसकी कैमरा। वो अभी छोटा है तो हर 15 दिन के बाद उसकी डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है। डिवॉर्मिंग के लिए टैबलेट हमेशा हम रात को ही खिलाते हैं उसे, लेकिन टैबलेट खिलाना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने डॉक्टर से बात की थी। मीठा डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप टैबलेट के लिए यानी कि मेडिसिन के लिए आप मीठा डॉग को दे सकते हैं। तो आज मीठे में मिक्स करके, यानी कि आज हमारे पास केक है, मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटे का आज बर्थडे था तो उसकी सेलिब्रेशन थी हमारे ही घर पे, तो अब केक में ही उसको मैं मिक्स करके ये टैबलेट खिलाऊंगी। जब तक हम लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं और मेरा किचन का सारा काम ख़त्म होता है, वो यहीं अपने काउच पे इसी तरह से सो जाता है। जब से वो घर में आया है तब से मैं इसी तरह से उसे उठा के उसके बॉक्स में सुला के आती हूँ। चाहे वो अब कुछ हैवी भी हो गया है पर फिर भी खुद से चल के सोने नहीं जाएगा। हाँ, जानती हूँ कि आदत मैंने ही उसे लगाई है, लेकिन मुझे भी ऐसा करने से बहुत खुशी मिलती है। Yes, what do you want? क्या हो गया? Good morning. आपने कोई स्कूल जाना है? हाँ, किसी जॉब पे जाना है? सो नहीं सकते हो? हाँ, गंदू। चलो. टिकिया? अले 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 हाउ आर यू? हाउ आर यू बाबू? चलो चलो आओ जल्दी आओ। बेटे के स्कूल जाने से पहले ही वो उठ जाता है, जैसे कि उसके बिना सुबह का काम ही नहीं होगा। एक्साइटेड होता है सुबह सुबह सबसे मिलने के लिए। शुक्र है कि बच्चों के टिफिन्स वगैरह उसके उठने से पहले रेडी हो जाते हैं। बेटे की बस का टाइम हो गया है और उसे सी ऑफ करने के लिए स्टफी को भी साथ में ही जाना है। उसे सी ऑफ करने के बाद फिर हम लोग वॉक पे निकल जाएंगे। बच्चों के टिफ़िन्स रेडी करने के साथ साथ उसकी रोटी भी बना के ही जाती हूँ, क्योंकि वॉक से आने के बाद उसका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं एक लार्ज रोटी, हाफ कप ऑफ पेडिग्री, एक बॉयल एग देती हूँ, एक दिन देती हूँ दूध साथ में ऐड करके, डाइल्यूटेड कर देती हूँ उसको, 50% दूध और 50% वाटर, और दूसरे दिन देती हूँ दही, दही के साथ पानी ऐड कर देती हूँ, यानी कि लस्सी बना देती हूँ, क्योंकि डेली दूध देना डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए ऑल्टरनेट डेज पे देती हूँ।
हमारे अपने बच्चों की तरह ही पपीज के भी जब दांत निकल रहे होते हैं तो उनको बहुत इरिटेशन होती है दांत में, तो उनको चबाने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो इस तरह से एक च्यू बोन स्टिक मैं उसको दे देती हूँ मॉर्निंग में, जिसको वो काफ़ी टाइम तक चबाता रहता है, उससे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। आ जाओ, कम ऑन स्टफी, नो आ जाओ, स्टफी नो आ जाओ, कम ऑन। पपीज़ इतने नॉटी होते हैं कि हर वक्त उन्हें शरारत सूझती है। अभी आपने देखा कि किस तरह वो वॉल पे चढ़ गया था और उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। अगर एकदम से जाके उसे पकड़ने की कोशिश करती तो उसके गिरने का डर था, लेकिन आराम से बुलाया तो वो आ गया। उसके बाद सबसे पहले उसका वहाँ जाने का रास्ता बंद किया। सुबह के अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद अल्टरनेट डेज पे मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। डॉग को हम रोज़ नहला नहीं सकते, उन्हें मंथ में एक बार ही नहलाना चाहिए, लेकिन क्लीनिंग कर सकते हैं। सो एक दिन छोड़ के पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड करके मैं एक कपड़े के साथ उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद ही खुद शावर लेने जाती हूँ। उसके लंच में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेडिग्री विद कर्ड होता है। होममेड फूड के साथ साथ पेडिग्री देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें डॉग फूड की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो अगर होममेड फूड की वजह से कुछ कमी रह जाती है तो वो इस डॉग फूड से पूरी हो जाती है। उसके हर मील के बाद उसे वॉक पे लेके जाना जरूरी होता है और वॉक से घर वापस आने के बाद उसे गार्डन में इस तरह दौड़ाना उसके पैर साफ करने का एक बेस्ट वे है। इधर आ जरा, बाहर आ जरा, मैं तेरे को बताती हूँ, अभी रुक जरा, जल्दी आओ बाहर, कम आउट, वहां छुपने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी बाहर आओ। ये चप्पल क्यों तोड़ी है? क्या किया है ये क्या किया है? कम आउट, कम आउट, ये क्यों तोड़ी है? अच्छा बाहर आ जरा।
एवरी इवनिंग कम से कम 1 आवर हम में से कोई एक उसकी ट्रेनिंग करवाता है, जिससे उसकी एनर्जी भी डिप्लीट होती है और वो नई चीज़ें भी सीखता है। जो डॉग बहुत एनर्जेटिक होते हैं उनकी एनर्जी बर्न करवाना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि डॉग्स एटलीस्ट घर के अंदर आराम से बैठें। डॉग ट्रेनिंग इसलिए भी मस्ट होती है ताकि वो आपकी बातों को समझ सकें और इससे हमारा और डॉग के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनता है। अभी उसे आए हुए 1 मंथ हुआ है लेकिन वो हमारी बहुत सी बातों को समझने लग गया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।